हेलो गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एडोब फोटोशॉप के अंदर किसी भी कलर इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। इसके बाद आप यहाँ पर जो दिख रहा है खाली एरिया, ठीक है, आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए माउस से। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये ओपन का ऑप्शन यहाँ पर खुल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो लिखा है ऊपर यहाँ पर ओपन। तो यहाँ पे आपको बस फोटो अपना सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये आपका जो फोटो है, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो फोटो मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये कलर में है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे ब्लैक एंड वाइट इमेज में। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है इमेज मेनू के ऊपर। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर मोड के ऊपर, और यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर से यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिया है ग्रे स्केल, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां से ओके कर देना है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे तो जो मेरा कलर फोटो था वो यहां पे ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आपको इसको सेव करना है, तो यहां पे कंट्रोल शिफ्ट यस प्रेस कर दीजिए। इसके बाद यहां पे इसका नाम टाइप कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है ग्रे स्केल। तो यहाँ पर ग्रे स्केल टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया डेस्कटॉप के ऊपर। इसके बाद इसको यहाँ पर सेव कर दिया, सेव के ऊपर क्लिक करके आप सेव कर दीजिए। इसके बाद फिर से यहाँ से ओके, इसके बाद इसको मिनिमाइज करिए। मिनिमाइज करने के बाद आप अपना फ़ोटो यहाँ पे ओपन करके देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया अपने फ़ोटो के ऊपर और यहाँ पे ये फ़ोटो ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा फ़ोटो ये ग्रे स्केल कलर में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे आप लोगों को कि ग्रे स्केल फ़ोटो को कलर में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, तो अगर ये आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।